नमस्कार, मैं हर सिंह और आपका स्वागत है हमारे DS4 न्यूज़ में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं चिन्मयानंद केस के बारे में, जिसने एक नया मोड़ अख्तियार कर लिया है। हम आपको बता दें कि चिन्मयानंद केस में 23 वर्षीय छात्रा जो कि कानून की पढ़ाई कर रही थी और उसका कानून द्वारा ही साथ नहीं दिया गया, उसने चिन्मयानंद पर जो कि भाजपा के पूर्व राज्य मंत्री रह चुके अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, उन पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने एक साल तक उस लड़की का शोषण किया। और हम आपको बता दें कि जब इस लड़की ने ये आरोप लगाया तो पहले तो यूपी पुलिस ने इसकी कोई सुनवाई नहीं की, उस पर कोई FIR दर्ज नहीं करवाई गई। और जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और SIT कमेटी का गठन किया। जब SIT कमेटी की जांच चालू हुई तो पीड़िता ने यह आरोप लगाया वहां कि जांच के दौरान जो भी मेरे सबूत थे वो धीरे धीरे करके गायब कर दिए गए। हम आपको बता दें कि उस लड़की के पास पर्याप्त सबूत मौजूद थे, एक 64 GB की मेमोरी कार्ड में सारी वीडियोस मौजूद थी कि कैसे उन एक सालों से भी ज़्यादा तक उस लड़की के साथ यौन शोषण होता रहा। पहले तो उस लड़की की हिम्मत नहीं हुई कि वो मीडिया के सामने जाए, लोगों के सामने जाए, इस बात का खुलासा करे, लेकिन एक साल बाद जब उस लड़की ने हिम्मत जुटाई, उस छात्रा ने हिम्मत जुटाई और सोशल मीडिया के सामने गई, अपने आप को अपनी दलीलों को पेश किया, तो भी यूपी पुलिस ने उस पर कोई रुख नहीं अपनाया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद जब SIT का हमने देखा क्या मामला था, तो उसके दौरान जब SIT ने चिन्मयानंद को 14 दिन के रिमांड पर भेजा। लेकिन हम बता दें कि अब इस केस ने एक नया मोड़ ले लिया है, अब उल्टा पीड़िता के ऊपर केस चलाने की हो रही है और उसे जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। हम आपको बता दें कि इस मामले में 376 धारा सी के अनुसार चिन्मयानंद पर केस लगाया गया था कि जिसमें उन्होंने सत्ता के बलबूते पर एक छात्रा का रेप किया था, लेकिन उस छात्रा के ऊपर अब ब्लैकमेलिंग के केस दर्ज कर दिया गया है। ये आरोप लगाया गया SIT कमेटी द्वारा कि उस छात्रा ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर चिन्मयानंद की वीडियो बनाई और उनसे पैसों की मांग की गई और उन्हें ब्लैकमेल किया गया। हम आपको बता दें कि जैसे एक ओर भाजपा सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया जा रहा है, हरियाणा में इसका बहुत प्रचार प्रसार किया जा रहा है, भारत के हर एक कोने में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को प्रमोट किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि जो रेप के जो केसेस हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। एक समय ऐसा था जब निर्भया कांड हुआ था, ऐसा कांड जिसने पूरे भारत को दहला कर रख दिया था, तब हमने देखा कि कानून में बदलाव किए गए और हर व्यक्ति को ये भी लगा कि अब हमारा समाज बदलेगा, अब सरकार जागेगी, अब कुछ ना कुछ नया रुख इस पे लिया जाएगा। लेकिन हालत अभी भी वही की वही है। हमने देखा कि किस तरह उन्नाव केस में जो कि कुलदीप सेंगर जिसमें दोषी पाए गए और अपनी सत्ता का अपनी ताकत का उन्होंने दुरुपयोग किया, और हमने देखा कि कैसे उस लड़की जो एक रेप पीड़िता थी उसके पूरे परिवार को उस मामले में ख़त्म कर दिया गया और उसकी लड़की की पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी गई। क्या वही इसके लिए न्याय होगा, ये एक देखने वाली बात है। और इसी सब मुद्दे पर तंज कसते हुए अखिलेश यादव जो कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान अब एक जुमला मात्र बनकर रह गया है। तो आपका क्या मानना है इस मुद्दे को लेके, इस सारे केसेस को लेके, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हमें आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। और आप भारत सरकार से क्या मांग करते हैं, आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए क्या चाहते हैं, क्या मांग करते हैं, बेटी को बढ़ाने के लिए क्या मांग करते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।